गुड मॉर्निंग बच्चों एंड जय हिंद। फटाफट आप लोग लाइव आ जाए, करंट अफेयर्स का रिवीजन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फटाफट लाइव आ जाए आप सारे बच्चे। विकेश बुलावर एंड मनीष पुलंकी, गुड मॉर्निंग बच्चा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिवीजन अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह है रिसेंटली अनवील्ड 120 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ अ कोल प्लेयर इन विच स्टेट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी असम, डी मणिपुर एंड ई मेघालय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में एक पोलो खिलाड़ी 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, मणिपुर। मणिपुर बी ऑप्शन जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल कैटर ऑफ फेस्टिवल एट दूध धारी मठ इन द स्टेट। किस राज्य ने राज्य के दूधाधारी मठ में पारंपरिक चरचेरा उत्सव मनाया। ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी असम, डी कर्नाटक एंड ई छत्तीसगढ़। इसका ई ऑप्शन सही होगा, छत्तीसगढ़ में ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है विच यूनिवर्सिटी हैज वन द ओवरऑल चैंपियनशिप एट द 36th इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल इन तिरुपति। तिरुपति में 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती। ए यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, बी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, सी श्री शंकराचार्य यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत, बी योगी वेमन्ना यूनिवर्सिटी एंड ई श्री कृष्ण देव नारायण यूनिवर्सिटी। बच्चों इसका सही उत्तर होगा यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थ्री का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, हु हैज रिलीज द बुक टाइटल चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर वन, मुख्यमंत्री की डायरी नंबर वन नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया। उदय ललित, शरद अरविंद बोबड़े, द्रौपदी मुर्मू, रंजन गोगोई, जगदीप धनकर। क्वेश्चन नंबर फोर का डी ऑप्शन सही होगा, रंजन गोगोई सही उत्तर होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर पांच कह रहा है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन इन इंदौर, हू अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द कन्वेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, पीएम नरेंद्र मोदी ने इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया।
निम्नलिखित में से कौन सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे? इब्राहिम मोहम्मद सोनी, महाथी बिन मोहम्मद, मोहम्मद इरफान अली, पृथ्वीराज सिंह, रूपन एंटी एंड्री रोजलिना। चार ऑप्शन दिया गया है, फटाफट जवाब करें। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव का बच्चों सी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, फटाफट आप लोग रिवीजन करते चले। इन जनवरी 2022 को इन द फॉलोइंग वन द फर्स्ट डॉक्टर पतंगद्रो कदम मेमोरियल अवार्ड, इसने पहला डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल अवार्ड जीता? अदर पूनावाला, बी रतन टाटा, बी गौतम अडानी, बी वेंकैया नायडू एंड ई अमित शाह। एंड ई अमित शाह क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सॉन्ग द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? निम्नलिखित में से किस भारतीय गीत ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ गीत चयनित की थी? मन भरिया 2.0, चकाचक, सी नाटू नाटू, डी अबाद बार बार, एंड ई रांझा। क्वेश्चन नंबर सेवन का सी ऑप्शन होगा, नाटू नाटू बच्चों, इंपॉर्टेंट है, बहुत चर्चा में रहा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द थीम फॉर नेशनल साइंस डे 2023? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? 2023 की थीम क्या है बच्चों? इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन, नाइन नंबर का रहा है, विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी गेट इन प्रिंसिपल नॉट ऑफ आरबीआई टू ऑपरेट एज ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए किस वित्तीय सेवा कंपनी को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? व
बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का ई ऑप्शन होगा भारत में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Among the following has been appointed as new Prime Minister of Gabon. Gabon के नए Prime Minister कौन बने हैं? इनका नाम है Alain Claude Willy Bainé। C option। इनका C option सही होगा। Next चलते हैं 11 number question बच्चों। Most important. What is the theme of National Youth Festival 2023? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? बच्चों इसका सही उत्तर होगा Developed Youth, Developed India. Developed Youth, Developed India. Next चलते हैं 12 number. Which state has this year National Youth Festival 2023? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की मेजबानी कौन से राज्य ने की? कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इसका ए ऑप्शन होगा कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नेम द फॉर्मर एंड लास्ट किंग ऑफ ग्रीस हु रूल्ड ग्रीस बिफोर द कंट्री बिकेम अ रिपब्लिक इन 1974 पार्ट ऑफ इट। एरोपोस सेकेंड, एलेक्जेंडर सेकेंड, एमेंटास सेकेंड, पॉल स्टेंटिन सेकेंड एंड पर्डिकास थर्ड। थर्टीन का डी ऑप्शन सही होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ टू स्लो इन फिस्कल ईयर 2023। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने तक धीमी होने की भविष्यवाणी की है? 6.9%, 6.8%, 6.7% एंड 6.5% एंड E 6.4% एंड E 6.4%। 14 का ए ऑप्शन सही होगा 6.9%। तीन नंबर क्वेश्चन, हु टेक चार्ज एज फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? वैशाली पांडे, टीपी मित्तल, मैत्री शर्मा, सोनम कुमारी, शांति कुमारी। डी ऑप्शन होगा शांति कुमारी। क्वेश्चन नंबर 16। ग्रैंड कल्चर प्रोग्राम सुर सरिता सिंफोनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज की दिल्ली, वाराणसी, सूरत, मुंबई, कोलकाता। इसका बी ऑप्शन सही होगा वाराणसी। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर। अली बाबा सेल्स विच कंपनी स्टेट वर्ल्ड
$125 million via block deal recently. अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी की $125 million की हिस्सेदारी बेची है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, पेपल, रेजोर्ट पे। सस्ती ऑप्शन होगा पेटीएम। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। Which of the following country creates new Ministry of Indigenous People? निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए नया मंत्रालय बनाया था? केनिया, साउथ अफ्रीका, साउथ सुडान, ब्राजील, सीरिया। इसका डी ऑप्शन होगा ब्राजील। डी ऑप्शन ब्राजील होगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं 19। फटाफट रिवीजन करते चले आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Who among the following was named as the president of the 2020 climate conference? निम्नलिखित में से किसे COP28 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया? पोखरी, बियॉन्ड, सुल्तान अल जाबेद, अलोक कुमार शर्मा, कैरोलिना स्मिथ, माइकल पुटकिया। इसका बी ऑप्शन सही होगा, सुल्तान अल जाबेद, बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर। इंडियन आर्मी डे 2023 इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी 2023 एंड इट मार्क द एनिवर्सरी ऑफ द इंडियन आर्मी डे। भारतीय सेना दिवस 2023 15 जनवरी 2023 को मनाया गया और इस भारतीय सेना दिवस की कौन सी वर्षगांठ थी? 73वीं, 74वीं, 75वीं, 76वीं एंड 75th रिपीट हो गया है। 20 का सी ऑप्शन सही होगा और डी भी सही है, 75th ऑप्शन या 75th वर्षगांठ मनाई गई, डी भी सही है। इसका ई भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं 21। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हैज बिगिन विद अ स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी एट द पिक्चर्स क्यू बारामती स्टेडियम इन कटक। वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार। उसका डी ऑप्शन होगा उड़ीसा। नेक्स्ट चलते हैं 22। Which of the following states celebrates Mangit Festival? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मंगीत उत्सव मनाता है? अरुणाचल प्रदेश, असम, केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसका बी ऑप्शन सही होगा, असम। नेक्स्ट चलते हैं 23। Where is India's first center of excellence in online gaming to be set up? इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, शिलांग। 23 का डी ऑप्शन बच्चों सही होगा, शिलांग। सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये किसी विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन हुई? रानी दीक्षित, शिवा चौहान, अवनी चतुर्वेदी, सुरभि जगमोला, तमन्ना मलिक।
इसका डी ऑप्शन सही होगा, भी जब मेला डी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, फटाफट रिवीजन करते चले आप लोग। Who has been crowned Miss Universe 2022 at a ceremony held in New Orleans, Mexico? New Orleans, Mexico में आयोजित एक समारोह में Miss Universe 2022 का ताज इसे पहनाया गया। इसका बी ऑप्शन सही होगा, एंड्रीना मार्टिनिक। 25 का बी ऑप्शन, एंड्रीना मार्टिनिक। 26 नंबर, अ क्रेडिट डिफॉल्ट प्रोसीजर, फाइनेंशियल क्रेडिट अरेंजमेंट, फाइनेंशियल स्वैप अरेंजमेंट, क्रेडिट गारंटी अरेंजमेंट, डेट सिक्योरिटीज अरेंजमेंट एंड नन ऑफ द अबव। बी ऑप्शन सही होगा, फाइनेंशियल स्वैप अरेंजमेंट। 27 नेशनल अर्बन टेक्नोलॉजी मिशन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री, राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन सही होगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन शुरुआत किया गया। 27 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 28। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टेक इन आईडीबीआई बैंक बिलोंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से किसकी केंद्र सरकार के साथ आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी है? एसबीआई, एबी, एलआईसी, सिडबी, आरबीआई। सी ऑप्शन सही होगा, एलआईसी। एलआईसी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, व्हाट इज द थीम ऑफ 53rd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग बीइंग हेल्ड इन देवास, स्विट्जरलैंड? स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाला विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के 53वें संस्करण की थीम क्या है? ए वर्किंग टूगेदर, रिस्टोरिंग ट्रस्ट, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, द ग्रेट रिसेट, डी ग्लोबलाइजेशन 4.0, शेपिंग अ ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड ई क्रिएटिंग अ शेयर्ड फ्यूचर इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। कभी ऑप्शन सही होगा, कोऑपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। 30 नंबर क्वेश्चन, When did Prime Minister Narendra Modi announce the establishment of National Startup Day on January 16? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना की घोषणा कब की थी? 2018 में, 2019 में, 2021 में, 2022 या 2030 में? डी ऑप्शन सही होगा, 2022 में 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना की गई नरेंद्र मोदी द्वारा। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 31
question. United Nations Security Council listed Pakistan-based terrorists as a global terrorist. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया. मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया गया? मुल्ला उमर, जकीउर रहमान लखवी, हफीज सईद, अब्दुल रहमान मक्की, ई मसूद अजहर. बी ऑप्शन में होगा अब्दुल रहमान मक्की. 31st का डी ऑप्शन. 32nd, LHS 475B इज अ सैटेलाइट प्लैनेट, एक्सोप्लैनेट, सोलर सिस्टम, नन ऑफ दीज. 32 का सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, एक्सोप्लैनेट. 33 नंबर, करंट बजटेड फिस्कल डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज. भारत सरकार का वर्तमान बजटीय राजकोषीय घाटा है 16.01 लाख करोड़, 15.61 लाख करोड़, 16.61 लाख करोड़, 14.61 लाख करोड़ एंड 17.6 लाख करोड़. चार ऑप्शन दिया गया है. कह रहा है भारत सरकार का वर्तमान बजटीय राजकोषीय घाटा क्या है? फटाफट जवाब दो बच्चों. का सी ऑप्शन सही होगा बच्चों, 16.61 लाख करोड़. 34 नंबर, विच एमोंग द फॉलोइंग नॉट श्रीलंका मेड बाई नेशनल क्रेडिटर. निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का मुख्य विपक्षी लेनदार नहीं है? चाइना, जापान, इंडिया, सिंगापुर, नन ऑफ द अबव. निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का मुख्य द्विपक्षीय लेनदार नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट श्रीलंका मेन बाई नेशनल क्रेडिटर. चाइना, जापान, इंडिया, सिंगापुर, नन ऑफ द अबव. बी ऑप्शन सही होगा सिंगापुर. सिंगापुर श्रीलंका का मुख्य बायलेटरल क्रेडिटर या लेनदार नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा. नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर. 35 नंबर क्वेश्चन, थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया. G20 के तहत थिंक 20 बैठक भारत के किस शहर में शुरू हुई? वाराणसी, न्यू दिल्ली, भोपाल, अहमदाबाद, मुंबई.
भोपाल 35 बस की ऑप्शन भोपाल खड़ी होगा। नेक्स्ट होते हैं 36 गूगल पायलट साउंड पॉड बाय गूगल पे फॉर इन इंडिया। गूगल ने भारत में के लिए साउंड पॉड बाय गूगल पे का परीक्षण किया। स्टोरिंग क्लाउड म्यूजिक यूपीआई पेमेंट ऑनलाइन म्यूजिक क्रिएशन लिस्निंग म्यूजिक वायरलेसली एंड नन ऑफ द एबव। जो है डी ऑप्शन बच्चों सही होगा। सॉरी इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी नहीं डी ऑप्शन। नेक्स्ट करते हम लोग 37 नंबर बच्चों। Which of the following city was elected host WTF Center for the 4th Industrial Revolution? चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WTF केंद्र की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया था? बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर। फटाफट जवाब करें। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज सिलेक्टेड बाई होस्ट WTF सेंटर ऑफ द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WTF केंद्र की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर का चयन किया गया था? बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर। फटाफट जवाब करें। चार ऑप्शन दिया गया है बच्चों। फटाफट जवाब करें आप लोग। बेंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर। इसका सी ऑप्शन सही होगा, हैदराबाद। हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WTF केंद्र की मेजबानी के लिए हैदराबाद शहर का चयन किया गया। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट 38 नंबर। नेम द वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन हु पास्ड अवे रिसेंटली। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। लॉर्ड विलियम, लॉर्ड विलियम्स, किंग तनाका, रॉबर्ट डीयन, जेनी पैलमेंट एंड ई लुसाइल रैंडम। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम्स। लॉर्ड विलियम्स जो है ये ऑप्शन सही होगा। लॉर्ड विलियम ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई 39 नंबर। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशियन कंट्री है वीकेस्ट इकोनॉमी। विश्व बैंक के अनुसार किस दक्षिण एशियाई देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल एंड भूटान।
and Bhutan. विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशिया साउथ एशिया देश की किस अर्थव्यवस्था कौन से देश की सबसे कमजोर है अर्थव्यवस्था? सी ऑप्शन सही होगा पाकिस्तान। बच्चों की ऑप्शन पाकिस्तान सही होगा। सी ऑप्शन सही होगा बच्चों। विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई देशों में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी सबसे कमजोर है, सबसे वीक है। नेक्स्ट चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 आज का लास्ट क्वेश्चन है। WEF launching initiative to unlock trillion per year for climate and nature. WEF ने जलवायु और प्रकृति के लिए एक वर्ष में कितने ट्रिलियन अनलॉक करने की पहल शुरू की है? ए 1 ट्रिलियन, बी 2 ट्रिलियन, सी 3 ट्रिलियन एंड डी 40 का बच्चों सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था सी ऑप्शन। अभी भी आप लोगों के पास 5 दिन बचे हुए हैं, 5 दिनों में हम लोग अब तक की जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन रहे हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। चलो बच्चों क्लास आज का हम लोग कहें तो थैंक यू एंड जय हिंद। एकदम